भारतीय जनता पार्टी की जिला प्रेस कॉन्फ्रेंस आज स्थानीय सर्किट हाउस में संपन्न हुई। भाजपा मीडिया प्रभारी स्वप्निल तिवारी एवं प्रफुल्ल द्विवेदी ने बताया कि आज स्थानीय सर्किट हाउस में भाजपा सरकार के सफलतम 9 वर्ष पूर्ण होने पर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से भाजपा प्रदेश महामंत्री बाजातारा विधायक हरिशंकर खटीक व भाजपा जिला अध्यक्ष अमित नोना उपस्थित रहे। वहीं भाजपा जिला अध्यक्ष अमित नोना पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीब वंचित दलित की जनहितैषी सरकार है। इसके कल्याण के लिए भाजपा सरकार में सैकड़ों योजनाएं चलाई जा रही हैं और धरातल पर इन योजनाओं का लाभ सीधे तौर पर पात्र हितग्राहियों को मिल रहा है। वहीं मुख्य रूप से पधारे भाजपा प्रदेश महामंत्री व जतारा विधायक हरिशंकर खटीक ने भाजपा पार्टी की योजनाओं के बारे में विस्तार से बताया। वहीं भाजपा की लाडली बहना योजना से 25 करोड़ से अधिक महिला प्रति माह 1000 रुपए की राशि प्राप्त कर इस योजना का लाभ उठा रही है और जो महिला इस योजना से वंचित रह गई है उनके लिए भी फिर से पोर्टल खोला जाएगा, उन्हें इस योजना का लाभ मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि जल्द ही टीकमगढ़ जिले को मेडिकल कॉलेज मिलेगा और मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी मेडिकल कॉलेज की शुरुआत होगी। जब जब भी उनकी सरकारें रही उन्होंने भ्रष्टाचार किया है। कांग्रेस ने जनता के भलाई के लिए कुछ नहीं किया, ना उन्होंने विकास की ओर ध्यान दिया, जन कल्याणकारी योजनाओं के प्रति जनता को लाभ दिलाने का काम किया। कांग्रेस की सोच, कांग्रेस की मानसिकता यही नहीं, उनका भला कैसे हो, वो किस प्रकार से संपन्न बने, उसके लिए आज वो धरना प्रदर्शन आंदोलन भी कर रहे हैं, जनता के साथ झूठे वादे भी कर रहे हैं, जनता के साथ छलावा भी कर रहे हैं। लेकिन आज हम कह सकते हैं कि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने व्यवस्थित तरीके से योजनाएं बनाई जो आज गरीब से गरीब जनता को लाभ मिल रहा है। जैसे किसानों के लिए अगर हम आपके बीच में बात करें तो किसानों को अभी 10,000 रुपये केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार के माध्यम से मिलते हैं, 2,000 और हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने बढ़ा दिए। तो किसानों का सम्मान अगर किसी ने किया तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसके बाद अगर सड़कों की बात करें तो वास्तव में नेशनल हाईवे आप देखिए, पहले की सरकारें क्यों नहीं बना पाई, पहले माननीय मनमोहन सिंह जी देश के प्रधानमंत्री रहे उन्होंने क्यों नहीं किया। आज दिल्ली तक अगर जाते हैं तो 4 लाइन और 6 लाइन में हम जाते हैं, अगर अन्य राज्यों में जाते हैं तो 4 लाइन और 6 लाइन के माध्यम से हम लोग जाते हैं। जहाँ सड़कों का विकास हुआ, पुलों का निर्माण हुआ, ट्रेनें भी ललितपुर चंदौली जैसी रेलवे लाइन और ललितपुर से खजुराहो तक की अगर रेलवे लाइन की नहीं तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। अगर हमारे क्षेत्र में केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना सूचित हुई तो हमारे देश के प्रधानमंत्री और मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी, योगी आदित्यनाथ जी और सम्मान्य डॉक्टर धीरज कुमार जी, प्रदेश अध्यक्ष बी डी शर्मा जी के माध्यम से हम सब लोगों को केन बेतवा लिंक सिंचाई परियोजना मिली और उसके लिए बजट में 44,605 करोड़ का प्रावधान भी किया गया। कांग्रेस का आरोप है कि इस बार भाजपा 50-55 सीटों पर समट कर रह जाएगी। देखिए कांग्रेस को सिर्फ आरोप लगाना आता है, कांग्रेस की बातों में कोई नहीं आएगा। जनता बहुत होशियार हो गई है, हमारी माताओं बहनों का सम्मान मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है और उनको 1,000 रुपये उनके खातों में डालने का काम भी किया है और लास्ट समय वो आएगा भी मैंने 250-250 रुपये और बढ़ के आएंगे उनके मैंने सरकार बढ़ाएगी, जैसे जैसे पैसे की व्यवस्था होगी हमारे मुख्यमंत्री बोल रहे हैं वैसे और बढ़ाएंगे, लास्ट में 3,000 तक उसको ले जाएंगे। तो माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम, गरीब माताएं बहनें और मध्यम वर्ग की माताओं बहनों का सम्मान बढ़ाने का काम हमारे मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना के माध्यम से दी, जिसकी आज़ादी के बाद 60 साल में टीकमगढ़ से UD News के लिए मोहम्मद अरमान की रिपोर्ट।